नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 12 जनवरी 23 को यूएफबीयू ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मीटिंग शेड्यूल की है। ये मीटिंग बॉम्बे में होना सुनिश्चित हुआ है और जो एजेंडा है, फॉलो अप ऑफ द डिसीजंस ऑफ द लास्ट मीटिंग हेल्ड एट चेन्नई रिगार्डिंग डिले इन रिस्टोरेशन ऑफ द रेजिडुअल इश्यूज, 5-डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, आवर डिमांड फॉर चेंज ओवर फ्रॉम NPS टू OPS, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक्स एक्सेट्रा, एज वेल एज कमेंसमेंट ऑफ द डिस्कशन ऑन द चार्टर ऑफ डिमांड फॉर वेज रिविजन, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर। द मीटिंग विल बी कमेंस बाई 11 AM एंड विल बी हेल्ड एट होटल एवियन नियर टर्मिनल 1 एयरपोर्ट मुंबई। नए वर्ष नई मीटिंग, बस ये देखना है कि केवल पिछला मीटिंग हुआ, फिर उन्होंने यूएफबीयू को पत्र लिखा, फिर मीटिंग हो रहा है, फिर यूएफबीयू को पत्र लिखेंगे, सॉरी आईबीए को पत्र लिखेंगे। यूएफबीयू मीटिंग करती है, आईबीए को पत्र लिखती है और आईबीए उस पर कोई तवज्जो नहीं देती है। अल्टीमेटली आइदर द वर्किंग एम्प्लॉय आर द बैंक रिटायरीज, दे आर सफरिंग। 5-डे बैंकिंग की बात पिछले कई सालों से चलने के बावजूद, यानी कि जब 2 सैटरडे ऑफ हुआ था तो 2015 में ऑफ हुआ था, 7 साल बीत गए और 2 सैटरडे की डिमांड चली आ रही है। अब अगर हमने, जब हमने भेजा है अपना कंसेंट, अपना रिकमेंडेशंस कि 15-15 मिनट का स्प्लिट होना चाहिए, तो क्या लगता है कि आईबीए केवल इसी काम के लिए बैठ के आपका सेटल कर देगी? आप फिर पत्र लिखेंगे, फिर पत्र का जवाब आएगा। और 5-डे बैंकिंग के बारे में अभी हमारे जो एक पेंशन एक्टिविस्ट हैं श्री सीएन वेणुगोपालन सर ने 7 पेज की एक लंबी चिट्ठी यूबीयू कन्वीनर को लिखा है। उनका लिखना जायज है, लेकिन फिर वही सेक्शन 35 सेक्शन 56 में क्या लिखा है, उसके हिसाब से क्या प्रोविजन है, पेंशन रेगुलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट इज बिग जीरो। उस पत्र की अगर आपको प्रति चाहिए तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 पेज का पत्र पढ़ के बताने में, क्योंकि सेम बातें हम चाहे CGI को पत्र लिख रहे हैं, चाहे PMO को पत्र लिख रहे हैं, चाहे FM को पत्र लिख रहे हैं, सेम वही बातें। बस मेन बात क्या है कि IBA मेन पर्पस पे डिस्कशन नहीं कर रही है। अगर पेंशन अपडेशन की बात कंसीडर कर रही है तो क्या पैटर्न होगा, आगे की क्या रणनीति होगी, कास्ट ऑफ फंड के बारे में क्या बातें हुई, इन सब बातों के बजाय हम जब नेगोशिएशन टेबल पे जाते हैं तो केवल ये आता है कि अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारा इतना कहना है कि क्या यूबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या फीडबैक लेके जा रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से वो डिस्कशन करेंगे, उस बारे में कोई भी भूमिका या कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं पता चलता है। कि आप पिछले कई सालों से आप बात कर रहे हो, लेकिन आपके बात का आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? बैंकर्स रिटायरीज केवल ये चाहता है कि अगर हमारी कोई ग्रीवांसेज है तो उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। डिस्कशन का भी एक समय होता है, कितना डिस्कशन होगा, कितने पत्र जाएंगे, ये बातें समझने से परे है। मेरी गुजारिश है यूबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट से कि आप अपना एक ठोस रणनीति बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक पैटर्न बनाएं कि हमें क्या डिस्कशन करना है। और हम जो इस बात पे दें कि हमें फर्दर डिस्कशन करना नहीं करना, हमारे बातों को टाइम बाउंड मैनर में रेजुलेशन होना चाहिए। अल 12th बाईपार्टाइट का नेगोशिएशन, उसमें क्या प्रॉब्लम, शुरुआत ही नहीं हुई। क्या बैंकों से अभी मैंडेट आईबीए को नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो आईबीए क्यों नहीं ले रही है?
आगे के चरणों में बात क्या होगी। अभी तो ये पता ही नहीं है कि बैंकर को क्या ऑफर मिलने वाला है, फिर हम उस तरह किस तरह स्ट्रगल करेंगे, आगे क्या करेंगे। इन सब बातों पे एक स्ट्रेटजी बना के यूएफबीयू को डिस्कशन के लिए आईबीए में जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अगर हमें नेक्स्ट वीक में हमें समय दें, हमें 3 दिन बाद समय दें ताकि हम आपसे डिस्कस कर सकें। ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, बैंकर्स के हित में हैं, क्योंकि बैंकर्स के प्रति ज्यादा से ज्यादा अन्याय आईबीए और यूबीओ की तरफ से ही हो रहा है। देखिए आने वाले 12 जनवरी 23 को मीटिंग में क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है, क्या रणनीति बनती है, फिर हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।